दोस्तों, अगर आप भी भारत को एक बेहतरीन टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के प्रहार का इतना जबरदस्त पलटवार करा है, जिसके बाद तो अब भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में वापसी करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने मजाक उड़ाते हुए एक ऐसा विवादित बयान दे डाला है, जिसके बाद तो इन दोनों टीमों के बीच में गर्मा गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको केन विलियमसन के द्वारा दिए गए विवादित बयान के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, केन विलियमसन और विराट कोहली में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 25 नवंबर से शुरू हो चुका है। टेस्ट मुकाबले का पहला दिन तो पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा, जिसमें भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करी थी, जिसमें भारत की ओर से पहले तो शुभमन गिल ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, वहीं टीम के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए एक शानदार शतकीय पारी खेली। वहीं उनका जमकर साथ दिया रविंद्र जडेजा ने, जिसके चलते भारतीय टीम पहली पारी में 345 रन बनाने में कामयाब रही और भारतीय टीम ने एक अच्छा खासा स्कोर न्यूजीलैंड की टीम के सामने रख दिया। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने उस प्रकार से गेंदबाजी का प्रदर्शन नहीं करके दिखाया जिस प्रकार से भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में प्रदर्शन करके दिखाया है। भारतीय टीम की गेंदबाजी पूरी तरीके से इस मुकाबले में फ्लॉप रही, जिसके चलते दूसरे दिन के खत्म होने तक भारतीय टीम न्यूजीलैंड का एक भी विकेट अपने नाम करने में कामयाब नहीं रह पाई। न्यूजीलैंड की टीम के सलामी बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में बेहद ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया। जहां टॉम लैथम अभी भी 50 रन बनाकर नाबाद मौजूद हैं, वहीं विलियम 75 रन बनाकर नाबाद मौजूद हैं और न्यूजीलैंड की टीम ने बिना कोई विकेट खोए 129 रन बना लिए हैं। दोस्तों, दूसरे दिन के खत्म होने तक जहां भारतीय टीम के गेंदबाजों की कड़ी आलोचना की जा रही है, वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी भारतीय टीम के गेंदबाजों की जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। उन्होंने भारतीय टीम के गेंदबाजों के द्वारा किए गए खराब प्रदर्शन का मजाक उड़ाते हुए एक ऐसी बात कह डाली, जिसके बाद अब इन दोनों टीमों के बीच गर्मा गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। बता दें, केन विलियमसन ने अपने बयान में कहा है कि पहला टेस्ट मुकाबला हमारी टीम के लिए बेहद ही शानदार रहा है। पहले दिन के खेल में हमारी टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए इंडिया की टीम के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन पहुंचा दिया था। वहीं जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए पहले सेशन में ही हमारी टीम ने भारतीय टीम को इतनी जबरदस्त पिच पर मामूली से 345 पर ऑल आउट कर दिया। इतना ही नहीं, हमारी टीम के सलामी बल्लेबाजों ने इस पिच पर शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ियों को ये बताया है कि कैसे इन परिस्थितियों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों की जमकर धुलाई लगाई जा सकती है। जहां भारतीय टीम के बल्लेबाज भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों की इतनी बुरी धुलाई लगाई है, कल्पना तो किसी भारतीय टीम के गेंदबाज ने अपने सपनों में भी नहीं की होगी। भारतीय टीम भले ही अपने घरेलू परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करने में सक्षम है, लेकिन उनका पाला अभी तक न्यूजीलैंड के धुरंधरों से नहीं पड़ा था, जो हमेशा से ही भारतीय टीम जैसी खतरनाक टीम को धूल चटाने में कामयाब रहते हैं। हमारी टीम जब भी भारत के सामने कोई भी मुकाबला खेलने के लिए रहती है, तब हमारा एक ही मकसद रहता है कि हमें भारतीय टीम को सिर्फ हार का स्वाद ही नहीं चखाना है, बल्कि उनको बुरी तरीके से रोड पर रख देना है। और हम ऐसा ही इस पहले टेस्ट मुकाबले में करके दिखाएंगे और भारतीय टीम की सरजमी पर यह टेस्ट श्रृंखला जीत कर ये साबित कर देंगे कि न्यूजीलैंड की टीम भारत से कई गुना बेहतर टीम है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या न्यूजीलैंड की टीम पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को हराने में कामयाब रह सकती है या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।